मीरा को मुझ तक लाने में भगवान राजी है। भगवान का नाम मत ले, मेरे मुंह से झूठ लगता है। भगवान की आड़ में अपनी गलतियां मत छुपा। अगर तेरे मन में भगवान होता ना, तो किसी मजलूम को, किसी बेसहारे को तू इस तरह चोट नहीं पहुंचाता, कि जिंदगियां नहीं बर्बाद करता। क्या क्या नहीं किया तूने बलराज, क्या क्या नहीं किया। तेरे सारे राज इस दिल में दबे पड़े। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नहीं, उसकी याद दिला रही हूँ जो तेरे सारे पाप देख सकता है। डर, उस ऊपर वाले से डर, क्योंकि उसकी लाठी में शोर नहीं जोर होता है। मुझे काम के लिए देर हो रही है और मैंने फैसला ले लिया है। वो फैसला इस घर के हर बाशिंदे को मानना ही पड़ेगा। मीरा का ख्याल रखा जाना चाहिए, अगर नहीं किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। बलराज, जाते जाते एक बात सुन ले, अगर यही हालात रहे तो शायद नंदिनी घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। जाना चाहती है तो जाए। सोच ले बलराज, नंदिनी उसके पापा तक पहुंचने की आखिरी कड़ी है। तेरे लिए आखिरी कड़ी। चल खा। क्या बात है शमा? कुछ नहीं। क्या अम्मा जी ने फिर से कोई जलीकटी सुनाई तुम्हें? मुझे नहीं, मीरा को। अम्मा जी मीरा को जबरदस्ती खाना खिला रही है, कोस रही है उसे, और मीरा रोती जा रही है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मीरा माँ बनने वाली है। इस घर में सब लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। मीरा क्या इस घर में अपनी मर्जी से रह रही है? चाचा जी ने कहा है तभी रह रही है ना यहाँ। इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? गलती किसी की भी नहीं है श्यामा, गलती परिस्थितियों की है, अनिरुद्ध की है। इस वक्त कोई भी कुछ नहीं कर सकता है श्यामा। मीरा के साथ ये बदसलूकी सही नहीं है अखिल। सोचा था आप मेरे साथ होंगे, अगर गलती हो गई। नंदिनी मेरी बात सुनो। और क्या सुनने को बाकी है दीदी? आप सब, एक एक इंसान जो मुझे प्यार करने की कसमें खाता था, सबने एक एक करके मेरे दिल को कुचला। नहीं नंदिनी, आज जब मुझे आप सबके साथ की, आपके सहारे की जरूरत, आप लोगों को मीरा पे तैयार, मुझ पर क्या गुजर रही है किसी ने सोचा? ऐसी बात नहीं है नंदिनी, मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह प्यार करती हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। झूठ कह रही हैं आप दीदी, झूठ कह रही। मीरा
की तरफ है, आप पापा भी मीरा की तरफ है। आज घर का हर एक सदस्य मीरा के लिए परेशान है, उसे घर के आदमियों के साथ बैठकर खाने की इजाजत है। क्यों ना वो इस घर को, यहाँ के रहने वालों को वो दे रही है जो मैं कभी नहीं दे सकूं। नहीं नंदिनी, ऐसी बात नहीं है। है दीदी, पीछे ने कहा था आप सब मुझसे बहुत प्यार करते, किसी और का नहीं है, मेरा घर। झूठ कहा था, झूठ कहा था आप लोग। पत्थर के दिल हैं आप सब। नहीं नंदिनी, पत्थर के। नंदिनी, नंदिनी सुनो। अरे हेलो, क्या हुआ? अरे औरंगजेब ने खा लिया तो बाकी सब भी तो भूखे होंगे ना? वो तो है, पर तुम्हें तो मीटिंग पे जाना है ना, और मुझे पता है भूखे पेट तो तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। हाँ, भूखे पेट तो मुझसे प्रेम भी नहीं होता जानेवन। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा मेरी गुली। खाना वो अगस्त ने जो नाटक किया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि वो शर्ट अगस्त की है। छोड़ो ना जाने मन, हर बड़े आर्टिस्ट की बड़ी बेइज्जती हुई है। मैं भी सहूंगा। और तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, तुम्हारी क्या गलती है इसमें? शर्ट की फिटिंग देखो, ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही सिली गई है। नेक्स्ट टाइम ना अगस्त की वो जो ऑरेंज वाली शर्ट है ना वो ट्राई करूंगा। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। बेदर्द जमाने की दुत्कार से जो सुधर जाए वो आर्टिस्ट नहीं होते। ये आर्टिस्ट तो बेशरम होता है। मुझे देख लो। अनुजा ये देख मटरी। वाओ चल जान बच गई। आप सबके लिए, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। हाँ दोपहर का खाना तो खाया ही नहीं किसी ने। दी आप भी खाओ ना। नहीं मुझे नहीं खानी, तुम लोग खाओ। वैसे अब हमें यहाँ कोई कुछ बताएगा कि हो क्या रहा है? आप लोगों को तो ऐसे ही लगता है ना कि मैं और अनुजा छोटे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। और क्या, हमें सब पता है, मीरा और अनी भैया का चक्कर चल रहा था। चक्कर? ये भाषा कहाँ से सीखी तुमने? जाओ जाकर अपना होमवर्क करो। दीदी मैंने कर लिया, मैं रिम्मी नहीं हूँ, अनुजा हूँ। तो जाकर कुछ और काम करो, जाओ और पौधों को पानी दो। जाओ यकीन नहीं हो रहा है कि अनी ऐसा कर सकता था। एक तरह से देखे तो सारी गलती नंदिनी की है। अफेयर किया अनिरुद्ध भैया ने और गलती नंदिनी भाभी की। पता नहीं इस दुनिया में औरतों के लिए कुछ इंसाफ बाकी भी है या नहीं। बीवी थी वो उसकी, उसे ध्यान रखना चाहिए था। इतने लंबे लंबे टूर्स पे अनी बाहर जाता था, उसी समय नंदिनी को समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। क्यों नहीं गई वो अनी के साथ? उसके साथ जाती, उस पर नजर रखती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। ये क्या बात हुई, हर वक्त उनके पीछे पीछे जाती। भरोसा भी कोई चीज होती है। मैंने आज देखा था नंदिनी भाभी मीरा पर बहुत चिल्ला रही थी, मुझे बहुत अजीब लगा। तो क्या करती वो, मीरा को गले लगाती? अपने हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के साथ एक छत के नीचे रहना आसान नहीं है। फिर भी नंदिनी को अनी पे नजर रखनी चाहिए थी। जीजी आप एक ही बात की रट लगाए बैठी है। एक बात बताइए, अभी जीजा जी मीटिंग के लिए गए हैं, आप कैसे उन पे नजर रखेंगे? हो सकता है कि वो मीटिंग का बहाना बनाकर कहीं और गए हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक,
बीवियां सब समझ जाती हैं। हाँ वो बात अलग है कि कुछ बीवियां जानने के बावजूद नजरअंदाज कर देती हैं। और मुझे पूरा यकीन है नंदिनी ने भी यही किया होगा। हो ही नहीं सकता। तेरा मर्दों के बारे में क्या एक्सपीरियंस है? जीरो। मैं शादीशुदा हूं, मुझे मालूम है। ऐसा नहीं हो सकता कि नंदिनी को इस बारे में कोई भी भनक ना हो। पता नहीं अनिका कितने सालों से चक्कर चल रहा था। जब लोग कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन है तो सच कहते हैं। नंदिनी भाभी को ही दोषी ठहराया ना आपने। तू लाल पीली क्यों हो रही है? मैंने ऐसा कब कहा? मुझे बस ये लगता है कि नंदिनी भाभी कुछ ज्यादा ही भोली है, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेती है। और अब सोच, मीरा पे भरोसा किया ना, क्या मिला? तूने नंदिनी की जिंदगी तबाह कर दी, इस घर की नींव को हिला दिया जिस दिन तेरे कदम यहां पड़े। पर तेरे अंदर मेरे अनिरुद्ध का बच्चा पल रहा है, मेरे अनी की आखिरी निशानी। जब इन हाथों में उठाऊंगी ना तो इतनी खुशी मिलेगी। पर अफसोस, अफसोस यही रहेगा कि ये खुशी नंदिनी की होनी चाहिए थी। हमेशा रखना नंदिनी, इस घर का हर इंसान तुम्हें बहुत प्यार करता है और ये तेरा घर है नंदिनी, किसी पराई का नहीं। अपने पोते को चुनता हूं और अगर ये फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मीरा यही रहेगी। देखो मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं, पर तुम ही आने के बच्चे की मां बनने वाली हो, तुम्हारा हक भी है ये व्रत रखने का। मीरा के साथ ये बदसलूकी सही नहीं है आखिर। आपको ये चिट्ठी मिलेगी मैं जा चुकी होंगी। मेरी जैसी औरत जो अपने स्वाभिमान को ही अपना हक समझती है, अब किस हक से इस घर में रहूं? मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं, यहां मेरे लिए कोई जगह नहीं। आप सब जो मुझे अपने प्यार का वास्ता दे रहे हैं, लगता है आपके मन में मेरे लिए प्यार था ही नहीं। मेरी जरूरत थी पर अब वो जरूरत वो दूसरी औरत पूरी कर रही है। सबके लिए भला होगा कि मैं इस घर को छोड़ दूं। मेरे पास अब एक यही रास्ता है।
मीरा देगी। इस घर का वारिस, मेरे वंश को आगे चलाएगा, बलराज अस्थाना का नाम बढ़ाएगा। और अगर ये फैसला तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। भी तुम उस घर को छोड़ने का सोचना भी मत, भूलो नहीं नंदिनी, ये बलराज का नहीं हमारा घर है, तुम्हारा। नहीं, नहीं रह सकती मैं इस घर में। बहुत दूर कैसी बातें कर रही हो? अपना घर छोड़ के कोई आता है क्या? कहाँ रहा ये घर मेरा दीदी? ये घर तो उस औरत का हो गया। तुम कहीं नहीं जा रही नंदनी, प्लीज दीदी। चलो नंदनी। दीदी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नंदनी मत करो नंदनी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। दीदी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा ना नंदनी, आप मेरी बात सुनिए। नहीं तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। हम लोगों का क्या होगा अगर तुम यहाँ से चली गई तो? अखिल नंदनी, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? बीजी पता है नंदनी क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये विधवाश्रम में जाके रहेगी। कोई नहीं, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मेरी जैसी बेसार औरतों के लिए विधवाश्रम में जगह मिल जाएगी। क्यों जाओगी तुम आश्रम? ये घर तुम्हारा है ना? तू आ मेरी ना। नहीं बीजी, मैं यहां नहीं रहूंगी। मुझे जाना है। नहीं नंदिनी, तुम्हारी दुनिया है नंदिनी, अगर इस घर से किसी को जाना होगा इसके बाद एक शब्द नहीं बोलोगी तुम।